कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लो सब्सक्राइबर्स, आज आप देखते हैं अपकमिंग एनिमेटेड मूवी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उनमें से एक दो मूवी बताने वाला उसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों फास्टली कवर करेंगे मूवीज को, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, और जब मूवीज रिलीज होंगे तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलने वाली है। तो सबसे पहली मूवी आती है उसका, वो है पिक्सार्स की तरफ से, और वो होने वाली है टर्निंग रेड। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें हमें बताया जाएगा बच्चे की कहानी जो भालू क्या है मॉन्स्टर बन जाती है जब उसे गुस्सा आता है, और ये उसकी पूर्वजों की करतूत होती है, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ है, वो तो हम मूवी में देख लेंगे। तो ये फर्स्ट मूवी जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सेकंड मूवी है वो है लाइट ईयर्स, और ये होने वाला है बज लाइट ईयर की स्टोरी, और इसे देखने में भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये मूवी भी पिक्सार की तरफ से आती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। उसके बाद आ जाती है डिज्नीज मॉन्स्टर एट वर्क, जो होने वाली है मॉन्स्टर LIC का सीक्वल। इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मॉन्स्टर सीरीज का मैं एक तरह से फैन बोल सकते हैं, फिर मैंने मॉन्स्टर सीरीज देखी है। उसके बाद आ जाती है लास्ट मूवी जिसके लिए भी मैं लाइट ईयर्स जितना ही एक्साइटेड हूँ, जो कि है डिज्नीज बेमैक्स। और बेमैक्स की कहानी आपको बिग हीरो 6 में भी देखने मिली थी, और इस मूवी में क्या दिखाने वाले इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिग हीरो 6 भी मुझे लगता है एक लेजेंडरी मूवी थी, और उसे देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यही थे कुछ मूवीज़ जो डिज्नी और पिक्सार आगे 2022 में हमें देखने को मिलने वाली डिज्नी और पिक्सार की तरफ से, और इन सब मूवीज़ में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं लाइट ईयर्स और बेमैक्स के लिए, जो कि बहुत खतरनाक वाले पिक्चर होने वाले हैं। तो मिलते हैं इनके मूवीज़ के रिव्यू के साथ जब जब ये रिलीज़ होंगे। Thanks for watching. Bye bye. बेमैक्स और मॉन्स्टर त्यौहार को दोनों भी वेब सीरीज क्योंकि है डिज्नी की तरफ से आती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो सॉरी, मूवी नहीं है बट वेब सीरीज़ है, सॉरी।